गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार सूरज कहाँ से निकला है भाई? आपा बिल्कुल ठीक है थी मेरी आपा। लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। और तुम ये सब कुछ कब से सोचने लगे? कब से? तब से, जब से। मैं तो हमेशा से ऐसे ही सोचता था, लेकिन समझा अब भाई। अब देखे ना रोजाना क्या, मैं सुबह आपा की दुआएं लेने के बजाय उनसे बहस करके जाता था। ना ऑफिस में दिन अच्छा गुजरता था, ना काम अच्छा होता था। और फिर जब मैं इतने सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ तो क्या डिसिप्लिन है उनकी लाइफ, वो कहां से कहां पहुंच गए। पर मैं यहीं कही, आपने मेरी आंखें खोल दिया। ये देखिए। शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। आई बिल्कुल आई, 100% आई। और आप? मैंने अभी फैसला कर लिया कि मैं खुद से आज के बाद इस घर में कोई भी काम आउट ऑफ रूटीन नहीं होने दूंगा। कितना लापरवाह था, कितना केयरलेस था मैं। ये कोई हॉस्टल है, घर है हमारा यार, घर है ये। रातों रात नवाब साहब को इतनी सारी अकल कैसे आ गई? आ गई भाई, बस आ गई, आ गई। आप अब वो मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ अरसे से हमारे घर में काम बहुत ही आउट ऑफ रूटीन हो रहा है। क्यों? मसलन क्या? ये जारा भाभी हर संडे अपने मेके नहीं जा रही है, क्यों? वो नहीं जा सकती। क्यों? देखिए मैंने खुद से कसम खाई है कि ना मैं खुद इस घर का कोई असूल तोड़ूंगा, ना किसी को तोड़ने दूंगा। मना किया है उसे पीर साहब ने। ये क्या बात है? अब किसी के कहने पर हम अपने घर की सारी रूटीन खराब कर दें, अपने घर के सारे असूल बदल दें? अरे पीर साहब ने कभी इस तरह की कोई पाबंदी लगाई थी? नहीं ना। नहीं वो बस हो गया फैसला। ना ही हम किसी के कहने पर अपने घर की रूटीन बदलेंगे और ना ही अपने घर के असूल। एक्सक्यूज मी काशान भाई, वो इस संडे को आप जरा भाभी को उनके घर ले जाइएगा, ठीक है? नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, ऑफिस में काम है मुझे। तो ठीक है मैं ले जाऊंगा। मेरा मतलब है कि आप देखें किसी भी हाल में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता असूलों से। इट्स फाइनल, इस घर के रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं तोड़ेगा। By the way, वो चुन्नी मुन्नी पुप्पो कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो किसी काम से गई है। ओह गुड, वेरी गुड। पराठा चाहिए? सब कुछ चाहिए भाभी, दे दें। ठीक है ना सब रिपोर्ट्स? जी सब कुछ ठीक है हमेशा की तरह। तो फिर क्यों औलाद नहीं हो पा रही? देखो जारा, तुम्हारे रिपोर्ट्स का ठीक होना काफी नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के भी टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज के लिए, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो तुम्हें मनाना पड़ेगा, या फिर बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास? चलते हो? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो सेहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे ही। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। हो सकता है तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए, लेकिन बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब? केक बनाना पड़ेगा तुम्हें। समझी नहीं मैं। चाय के साथ केक भी बनाना पड़ेगा।
मैं आपकी बहन को लेकर आ रहा हूँ इस संडे। सच? मुझ? मेरा मतलब बिल्कुल, यस, 100%। बहन के बदले केक तो बहुत छोटी सी चीज है, अब तो पार्टी बनती है भाई। अरे वाह, फिर तो मुझे हर संडे ये ड्यूटी रख लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? मैं बहुत खुश हूँ जाहिर, थैंक यू सो मच। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता। क्या मतलब? मेरा मतलब वो भाभी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना? That's great. Okay, then I'll see you. और thanks again. You're welcome. You're most welcome. Sunday must be fun day. Yes! कैसे बात करूं मैं काशान से कि वो भी अपने टेस्ट करवा ले? कभी नहीं मानेंगे। औरत वाकई कितनी बेबस हो जाती है, उम्मीद से उम्मीद लगाकर भी उम्मीदें ढूंढती है। लीजिए आपकी चाय आ गई, यहाँ रख दो। वाह वाह, जिंदगी में हमारी दो ही राहतें हैं, एक आप और एक आपके हाथ की बनी हुई चाय। असल राहत तो आपकी चाय है, मैं तो सिर्फ आपकी मजबूरी हूँ। अरे ये क्या कह रही? नहीं भाई, असल राहत आप हैं। अच्छा छोड़े, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताइए। आपको पता है असद ने से हमको खाने पे बुलाया? पता है, जहां ने डिस्कस किया है मुझसे। आप सच पूछो तो असद अच्छा लड़का है, उसकी नजरों में मैंने शहाम के लिए पसंदीदगी देखी है। अब यह अलग बात है कि शहाम उसे पसंद करे या ना करे। आपने उसे इजाजत दे दी? हाँ, क्यों? फिर भी लड़की साथ है, इस तरह ढील देना अच्छी बात नहीं है। अरे शाइस्ता बेगम, ये ढील जो है ना, ये एतमाद की ढील है। अमेरिका भी तो गई थी पढ़ने अकेले। और सच पूछो तो अगर माँ बाप हर बेटी को इस तरह का एतमाद दे देना, बेटी जान पे खेल जाएगी, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हैं, और अगर सयाम की कोई अपनी पसंद हुई तो? बस हक है उसका, बिल्कुल पसंद करे। खूब ज़ारा के मामले में गलती हुई थी ना, शहाम के मामले में दोहराना नहीं चाहता। सच पूछो तो ज़ारा का मुरझाया हुआ चेहरा मेरी नजरों के सामने से जाता नहीं। अल्लाह ना करे ज़ारा जैसा नसीब हो उसका। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आमीन। कहाँ गई थी ज़ारा? अभी वो मैं, पता है मुझे, डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा उन्होंने? हम डिवोर्स तो सब क्लियर है, उन्होंने कहा है बाहर ही कोई मसला नहीं है। हाय, क्या बताऊं क्या सुनाऊं, दास्तानें ऐसी हैं। हाय 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 हाय, अरे मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, कोई ना कोई बंदिश रुकावट जरूर है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? शादी को 2 साल हो गए और बच्चा ना कच्चा। क्या मतलब पप्पू, कैसी बंदिश, कैसी रुकावट? ऐसी कैसी, ये तो हासिदों से पूछो, जो कुछ का कुछ करवा देते हैं। और हाँ,
डॉक्टरों और हकीमों के बस की बात नहीं है और दवा दारू से कुछ होने वाला नहीं। बात है सारी दम तावीज की, तभी होगी काशान बेटे के यहाँ औलाद। हेलो बेटा, काशान भी आ गया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे तुम ऐसा करो, कल तुम जारा को लेके मेरे साथ पीर साहब के यहाँ चलो। अरे दिनों में मुराद पूरी होती है वहाँ। आए, आए। सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है उससे, बड़ा जब्त करके गया है ऊपर वो। वो ठीक ही कह रही है, कोई दम दरूद और तावीज करवाने ही पड़ेंगे। सर मैं लेट हो गई, थोड़ा ऑफिस में काम था इसलिए। नो नो इट्स ओके, वही काफी है। सर क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ सब ठीक है। से हाँ, आई हैव टू डू दिस राइट नाउ, वरना शायद मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। तू आ रहा सर, क्या कहना चाह रहे हो? सैम, I really like you। देखो प्रोफेशनली मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पर्सनली भी मैं आगे बढ़ूँ, वो भी तुम्हारे साथ। हाँ, will you marry me? असद, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें लेकर ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो बस। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत सडन हो रहा है। मॉम डैड जब भी मुझसे शादी की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में तुम ही आती हो। देखो मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, जस्ट टेक योर टाइम। इफ यू फील द सेम वे तो इसे पहन लेना। यू नो मॉम तो चाहती थी कि आंटी से डायरेक्ट बात करें, मैंने मना किया, मैंने कहा पहले मैं तुमसे खुद बात करूंगा। यू नो व्हाट, अगर तुमने हाँ कर दी तो मेरी पूरी फैमिली खुशी से पागल हो जाएगी। एंड व्हाट द रॉक इज कुकिंग। साहिर ये क्या है, ये कुछ दिनों में तुम्हें दौरा क्यों पड़ जाता है? क्या मतलब आपका? ये इतनी बड़ी टोपी पहन के और एप्रन पहन के औरतों की तरह किचन में घुस जाते हो। इस घर में रह रहे कर हर ख्वाहिश हर शगल खत्म हो गया, रह लेके ये एक छोटा सा शौक, नन्ना मुन्ना सा शौक मेरा बचा है, उस पर भी यकीनन आप पे एतराज होगा। जाहिर है जारा की आदतें खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी
मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बावर्ची खाने में काम करते हुए। खैर इस बात को तो ना मैं मानता हूँ ना इस बात की मुझे समझ आती है, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी रेनाउंड शेफ हैं सब ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं। पता नहीं कि घर में उनसे ये ओहदा छीन क्यों लिया जाता है कि औरत ज़ात मर्द को किचन में भी चैन से नहीं रहने देगी और आखिर में हमारे मेहमानों का कत्ल ही होता है। आप ऐसे ना देखें, खुदा की कसम प्रिंसिपल लग रही हैं। प्रिंसिपल ही हूं मैं जी, लेकिन वहां स्कूल में ना घर में तो मेरी आप प्यार से देखा करेंगे। चार अंडे डाल दिए, पांचवा रह गया, छह याद कराया आपने। अरे क्या कर रहे हो खबरदार, अब ये तुमने किया तो तुम्हारे इन फजूल मशकों के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मुझे लगता है फ्रिज को ताला लगा के रखना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब आ गई तुम, टाइम देखा है तुमने? वो पौने आठ। पौने आठ तुम्हारे कमरे की घड़ी पीछे होगी। अपनी घड़ी घर की बाकी घड़ियों के साथ सेट करो। इस वक्त खाना बनाओगी तो क्या आधी रात को दोगी? नहीं नहीं, मैं बस अभी थोड़ी देर में आपको खाना बना के दे दूंगी जल्दी। आज इन्हें फिर से भूत सवार हो गया खाना बनाने का। बात सुनो, मेरे लिए इसके बनाए हुए खाने में से कुछ मत ला के देना, जो खुद बनाना वही लेकर आना मेरे लिए। जी पांच अंडे यहाँ डाले और कुछ गाजरे, कुछ प्याज है, कुछ शिमला मिर्च है। You know what? अगर तुमने हाँ कर दी तो मेरी पूरी फैमिली खुशी से पागल हो जाएगी। अरे तुम अभी तक जाग रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठी हुई थी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ, थक गई होगी ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप सो जाए ना। तुम्हारा डिनर कैसा रहा, मैं तो पूछने भूल गई। ठीक था, बस ठीक था जी। मेरा मतलब है कोई बात वगैरह हुई क्या? नहीं अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे ना नींद आ रही है, अब तो मैं बाद में बात करूंगी आपसे। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत ठीक है, क्यों क्या हुआ है? संडे वाले दिन इतनी जल्दी उठ गए? क्यों, संडे को इंसान जल्दी नहीं उठ सकता? उठ सकता है लेकिन तुम्हारे लिए कहूंगी नहीं। सैटरडे नाइट सारी रात बाहर दोस्तों के साथ और सुबह इतनी जल्दी उठ गए, वाह। क्या तो आप ठीक रही हैं लेकिन मुझको नींद ही नहीं आ रही। क्यों? देवर साहब, नींद ना आने की दो ही वजूहात होती है, या तो इंसान को कोई बहुत परेशानी हो या फिर उसे मोहब्बत हो जाए। आपको कौन सी बीमारी लगी है? बीमारी है, जानलेवा बीमारी, जिसे हो जाए समझो वो गया। हो तो नहीं गई ना? अरे देखा जाए तुम्हारी बातों में अंडा जल गया मेरा।
कोई बात नहीं ना, ये जला वरना मैं खा लूंगा ना। हाँ, आप दूसरा बना लेना। पागल हो, जला हुआ ऑमलेट खाओगे? अरे तो क्या हो गया, मैंने अपने कुकिंग एक्सपीरियंस में इससे ज्यादा जले हुए बनाए भी और खाए भी हैं। डोंट वरी, मैं खा लूंगा। पर जाहिर वो बहुत जल गए हैं। हाँ, क्या तो आप ठीक रही हैं। मैं नया बना देती हूँ। इट्स ओके, मैं आपकी हेल्प कर लूँ? नहीं, अपनी चाय लेते हुए जाना। अच्छा, मेरी बात सुने, वो आपको याद है ना कि आज मैं आपके घर जाना? क्या आप जाने देंगे? मैंने आपको कहा था ना, आप मुझ पे छोड़ दें, बस 12 बजे तैयार रहिएगा, हम आपके घर जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। मुंडा सुन गया, पापा को पता लग गया ना, मेरी शामत आएगी। आल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई। ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं पुप्पा, सब खैर है ना? अरे तोड़ कर रही हूँ नजर का, और क्या कर रही हूँ। नजर का? किसको लग गई है नजर? इस घर को लगी है बुरी नजर, जहां आंख उठाओ काले काले साए नजर आते। अच्छा, तो ये सब करने से, ये धुएं से वो सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? पीर साहब का तावीज है इसमें, चले क्या जाएंगे, भस्म हो जाएंगे सबके सब। लगता बहुत पहुंचे हुए पीर हैं। पीर बशीर अली के बेटे हैं तनवीर अली, जिन्हें भाई साहब बहुत मानते थे। फिर तो इनका नाम तावीज वाले बाबा नहीं होना चाहिए था, हर मसले का हल तावीज में। वाह क्या हद्दे अदब, शर्म तो आती नहीं है? पीरों फकीरों का मजाक उड़ाते हो, इसी में जल के भस्म हो जाओगे। इधर आओ निगत, ये तुम्हारा भाई पीरों फकीरों का मजाक उड़ा के गुनाहे कबीरा समेट रहा है। जाहिर, कितनी बार तुम्हें समझाया है, हर बात मजाक नहीं होती, अभी के अभी पुप्पो से माफी मांगो। अच्छा जी पुप्पो जी, सॉरी जी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। पुप्पो क्या हो गया यार? यकीन तो तुम्हें जब आएगा, जब तुम्हारे घर में ये जो बदकिस्मती के साए लहरा रहे हैं ना, उनके तावीज दम करामात से जल के भस्म हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर देखना जारा की गोद कैसे हरी भरी होती है। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, वो आज जारा को पीर साहब के पास लेकर जाना था ना। आज आज नहीं, नहीं आज तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है ना, आज कैसे जा सकते हैं? अल्लाह वालों की कोई छुट्टी नहीं होती। और हाँ, इतवार तो और भी अच्छा है, बड़ी दुआएं करवाने आते हैं इतवार के रोज लोग, और लंगर लंगर भी बहुत बड़ा होगा आज। फिर भी नहीं जा सकते आज? नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे मैं आप सबको बताना ही भूल गया था, वो हाँ, गाड़ी खराब हो गई ना, तो मैंने सोचा था कि संडे को मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, मैकेनिक सही कर देगा। अब गाड़ी मिसिंग कर रही है, उसमें थोड़े मसले, अगर बीच रास्ते में खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए आज नहीं जा सकते। अब मैं कल ले जाऊंगा आपको, कल ले जाऊंगा, कल रश्मि नहीं होगा, आप आराम से अपने सारे मसाइल सुना भी लीजिएगा और वो आराम से आपके सारे मसाइल सुन भी लेंगे। क्यों भाभी? हाँ जी ठीक कह रहे हैं आपा, हम कल। नाश्ता बन गया? सबको बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगाए ना। मैं बस जा रही हूँ, आ जाए। मैं हेल्प करता हूँ भाभी की। बाबा मैं सिर्फ इस शर्ट पे आपके साथ खेल लूं कि आप चीटिंग नहीं करते। What? Me? Cheating? Never. हमेशा करते हैं? कभी भी नहीं किया। चलो स्टार्ट करो, भी पता चल जाता है। चल ठीक है। हाँ। देखा? Okay. My turn. ये जारा कहाँ रह गई है, इतनी देर हो गई है। बस आने ही वाली होंगी, घर से निकल गई है, बात हुई है मेरी उनसे। अरे कोई आया देखो। कोई आएगा तो बेल बजेगी ना बाप। चीटिंग किया आपने? कब की है ना चीटिंग? क्वीन कैसे गई वहां पे? क्वीन? अरे क्वीन तो क्वीन है, कहीं भी जाती है तो अम्मा नहीं चली जाती, जहां भी चली जाए। हाँ बोलो बोलो बोलो।
मेरी बारी। सारा आप ही आ गई, मैं आती हूँ। आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। आ रही हूँ। सारा सलाम अलैकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। So, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ले आया भाभी को। Well done, Zahir. I'm impressed. अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मम्मी और बाबा कहाँ हैं? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप ठीक है? ज़ारा आपी, आपको पता है कैरम की जबरदस्त बाजी चल रही है और हमारे बाबा खूब चीटिंग कर रहे हैं। अरे काहे की चीटिंग भाई, I'm playing fair and square, हाँ? चले मैं भी मिलके चीटिंग करते हैं। Yes, let's go. बाबा, आप लोग खेलें, मैं कमरे से होकर आती हूँ। चलो, let's show them what कैरम is all about. Oh yes, let's go. नीचे सबके पास नहीं बैठना, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें। अच्छा, क्या बात है बेटा, बहुत घबराई हुई हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मी काश्याम के साथ सब कुछ ठीक है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। बल्कि आपको पता है, वो तो चाह रहे थे कि वो भी आ जाएं, लेकिन उन्हें एकदम से अचानक ऑफिस जाना पड़ गया। संडे वाले दिन? जी, संडे वाले दिन। वो काम ज्यादा है ना उनपे, तो कभी कभी चले जाते हैं। कितनी दफा का है कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले, संडे वाले दिन भी वो लोग उसको ऑक्यूपाई रखते हैं। नहीं, आप तो जानती है ना कि कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है, तो और वैसे भी सीनियर पोजीशन पे हैं वो, जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं उन पर। आती जाती रहा करो ना, तुम्हें देख के मुझे सुकून मिलता है। उस घर में भी तो सबको मेरी जरूरत है ना, बस इस बार थोड़ा सा बिजी हो गई थी। आप मेरी टेंशन ना लिया करें अपनी। क्या बात है, इसे क्या देख रही है? वहां सब कुछ ठीक है ना? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना बेटा? दो साल हो गए मम्मी, हालात नहीं हुई मेरे घर। ये मुझे ये सोच अंदर ही अंदर। लेकिन देखे ना, इसके बाद भी काश्याम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मुझे ताना नहीं देते इस बात का।
और निगत का रवैया तुम्हारे साथ बदला है कि नहीं? पापा तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, जाहिर कोई देख ले, हर वक्त ज्यादा रहता है मुझे, वो भी बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत अच्छा देवर मिला है। देखो बेटा, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है ना, तुम सब में इतनी मोहब्बतें बांटती हो, अल्लाह एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। नीचे सब लोग इतना शोर मचा रहे हैं, कैरम बोर्ड तोड़ देंगे, चलो और नीचे चलते हैं। बाबा आपको पता है मुझे खेलने नहीं आता। ओहो, मैं हूँ ना बताने के लिए, चलो चलो यार रखो यार, और हिट करो बड़ा। और अभी मैं आपकी पार्टनर हूँ ना, और मैं आपका मैं भी आपका पार्टनर हूँ भाभी। लीजिए आ गया, होम स्वीट होम। होम स्वीट होम। थैंक यू ज़ाहिर, थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए मानो जैसे बुझते चिराग को एक रोशनी मिल गई हो। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ और पूरी कोशिश भी करता हूँ, ये चिराग हमेशा रोशन, लेकिन अब ये चिराग खुद ही रोशन ना होना चाहे तो ये क्या कर सकता है भला। लेकिन कोई बात नहीं, खैर अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टनर है सेहान, और हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि अब कभी इस चिराग की मुस्कुराहट कम ना। पार्टनर की बातें बहुत ज्यादा नहीं हो रही? एक्चुअली मैं कैरम पार्टनर की बात कर रहा था, वो आप देख रहे थे किस तरह सब चीटिंग कर रहे थे मुझ मासूम के साथ। यार लेकिन चीटिंग बहुत की आप लोगों ने सीरियसली, और सबसे ज्यादा तो अंकल ने शुगर लगाया हुआ था, मैं तो ये हैरान था कि अंकल लगता बचपन से खेलते आ रहे हैं। वैसे नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल कैरम नहीं खेला, आप लोग बहुत चीटिंग करते हैं यार। तुम तो कह रहे थे गाड़ी खराब है, इसको घर ले जाने के लिए गाड़ी ठीक हो गई? आप अगर थोड़ी देर के लिए चले गए तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं हुई, लेकिन गलत बात जरूर हुई है। झूठ बोला है तुमने मुझसे, बेवकूफ बनाया है मुझे, और तुम अपने मकसद के लिए अब जाहिर को भी इस्तेमाल करोगी? नहीं नहीं आपा, आपा इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं, मैं उन्हें लेकर गया था। तुम चुप रहो, इस घर के फैसले तुम कब से करने लगे? मेरी इजाजत के बगैर जो दिल में आता है करते चले जा रहे हो, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुमने अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस मत आना। और तुम जाहिर अपनी चलाकियों से बाज आ जाओ। चिल चिल चिल, रिलैक्स, नो बिग डील, ये तो चलता रहता है, हमने एंजॉय किया ना, वी हैड फन। मैंने कहा था ना आपस से पूछ लेते हैं। बस इसी, आप जाएं रेस्ट करें, परेशान नहीं होना, आप परेशान नहीं होना। आ, 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 आ,
लड़के से दम करवा। ये जारा को दम करना है पीर साहब, वो भाई साहब की बहू है ना ये। अब किस्सा ये है कि 3 साल हो गए इस बिचारी की शादी को, मगर औलाद जैसी नेमत से महरूम है। ये लोग भी पता नहीं कहां कहां लेके गए इसे, कांटे वाले बाबा के पास ले गए, कोई काम नहीं बना, बाबा काकी ताड़ के पास ले गए, क्या नतीजा हुआ, वही ढाक के 3 पात, कोई औलाद वौलाद नहीं हुई। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये सब देखा तो मैंने कहा निगो, अरे जब हमारे अपने पीर कामिल मौजूद हैं तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है ना। तो अब हम सब गरीब आपके पास मिलकर आ गए हैं, कोई तावीज ऐसा दीजिए, कोई दुआ ऐसी दीजिए, कोई दुरूद ऐसा पढ़िए, शायद इस बिचारी की मुराद पूरी हो जाए। करीब जी मुन्नी पप्पो। अच्छा जारा आओ, घबराओ। जेरे असर है बच्ची, जेरे असर है। बच्चा अपना बात सुलाओ। घबराओ नहीं, ये लो। माफ कीजिएगा पीर साहब, जेरे असर है इसलिए घबरा रही है बच्ची। हो जाएगा इलाज, सब ठीक कर देंगे। ये दवा पानी में मिलाकर पिला दीजिए, अगले हफ्ते फिर लेके आइएगा, तावीज बदल कर दोबारा बांधेंगे। जी पीर साहब, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। शुक्रिया, इजाजत दीजिए पीर साहब, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। ठीक कर रहे हैं।